प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के माढ़ा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक स्थिर सरकार भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान का भी ध्यान रखती है। आज हम रेलवे, सड़क मार्ग और वायु मार्ग में भावी निवेश कर रहे हैं। हमारा वार्षिक बजट बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ये कांग्रेस के 10 साल के बुनियादी बजट के बराबर है। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। मोदी ने महिलाओं को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछले 10 वर्षों में हजारों महिलाएं स्वयं सहायता समूहों में भी शामिल हुई हैं। वर्षों से महिलाएं गांवों के तेजों से विकास में योगदान दे रही हैं। हमने 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया है। भारत में जल्द ही 3 करोड़ लखपति दीदी होंगी और ये मेरी गारंटी है। साथियों, जब देश में मजबूत सरकार होती है तो उसका ध्यान वर्तमान के साथ ही भविष्य की योजनाओं पर भी होता है। यही सोचकर आज भाजपा सरकार रेल, रोड, एयरपोर्ट पर अभूतपूर्व खर्च कर रही है। जितना कांग्रेस सरकार ने अपने 10 साल में खर्च किया उतना आज हम 1 साल में खर्च कर रहे हैं। तभी तो आज आप हर तरफ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसका सीधा लाभ भगवान विट्ठल की इस धरती को भी हो रहा है। यहां पालखी मार्ग हो, रेलवे का काम हो, एयरपोर्ट का काम हो, ऐसे हर काम पर महायुति की हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है। भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र की जनता जब प्यार देती है, जब आशीर्वाद देती है तो कोई कसर नहीं छोड़ती है। भाइयों बहनों, विकसित भारत बनाने में देश की नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। मोदी गांव की अपनी करोड़ों बहनों को सशक्त करने में जुटा है। 10 वर्ष में हमने 10 करोड़ बहनों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा है। आज ये बहनें गांव की अर्थव्यवस्था को गति दे रही है। हमारे प्रयासों से कुछ समय के भीतर 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बनी है। आंकड़ा बहुत बड़ा है। 1 करोड़ बहनें मेहनत करके, कमाई करके लखपति दीदी बनी है। और अब मोदी ने गारंटी दी है कि मैं 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाऊंगा।